आप सभी को स्वागत है सगाली चैनल में। इस वक्त हम आए हैं मिनी सेक्रेटेरिएट सगाली और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा 21 जून 2023 को यहाँ पे सगाली में काफ़ी ज़ोर से बारिश आने का कारण से काफ़ी जगह लैंडस्लाइड और अफेक्टेड हुआ है, जहाँ की फीड फील्ड के जगह में और कुछ एग्रीकल्चर के जितने भी जो बागान बनाया गया था और कुछ इलायची ये सब लगाया गया था, उनको जो है लैंडस्लाइड होने के कारण से और नदी क्लास फ्लड होने के कारण से जो है पीटी फील्ड को जो है, जैसे कि हम यहाँ पे आज मेरे सेक्रेटरीट पे आके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हमने बात किया है, मिला है जो डैमेज हुआ है, उनको जो है किस तरह से अप्लाई करना चाहिए और उनका प्रोसेस क्या चल रहा है, तो इससे हम जानने के लिए यहाँ के डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ पे हम आए हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमने बात किया है और उन्होंने भी कहा है कि इनका जो प्रोसेस है ये अक्टूबर तक चलते रहेगा, क्योंकि अभी भी मौसम खत्म नहीं हुआ, बारिश का समय खत्म नहीं हुआ है, अक्टूबर तक ये चलते रहेगा और प्रोसेस जो है अभी काफ़ी जोरदार से चल रहा है और जितना जो इफेक्ट है हुआ है, जिसका डैमेज हुआ है, खेती है बागान वगैरह जो डैमेज हुआ है, वो आके यहाँ पे आके वो अप्लाई कर रहे हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप वो अगर बेनिफिट इफेक्ट हुआ है उनको जो रिलीफ के लिए आपको अगर चाहिए तो आप ऑफिस में आके आप कंसल्ट करिए और ये जानिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेता है, ये डॉक्यूमेंट को आप आके ऑफिस में आके पूछिए और आपका जो रिलीफ के जो आपका जो लॉस्ट हुआ है उनको आप रिलीफ के लिए आप अप्लाई करें। एक्चुअली थैंक यू मीडिया पर्सन, ये रिलीफ अप्लाई हर साल होता है, हर साल डैमेज होता है, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा डैमेज होने का कारण से पब्लिक भी अभी अप्लाई करने सोच रहा है, आ रहा है, अभी भी हमारे पास भी आया हुआ है। लेकिन हमें पब्लिक को वही कहता है कि जो अच्छा अच्छे गेहूँ से अगर डैमेज हुआ तो उसका फोटोग्राफ करके ये ऑफिस में सबमिशन कीजिए, एप्लीकेशन चाहिए, डैमेज फोटो चाहिए और ये क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, वो सबको लेके मेरा ऑफिस में आइए, मैं लिस्ट बना दूँगा आपको। लेकिन हमारा फील्ड स्टाफ जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा ही है ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर लेके फ़ोन करके वो आपका एरिया में विजिट करें, सच में डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर डैमेज हुआ तो उसका रिलीफ का वो एस्टीमेट बना करके फिर हम लोग को वापस करेगा, फिर वहाँ से फर्दर प्रोसेस हम लोग आगे करेंगे। आप लोग का टीम जाता है वेरीफाई करने के लिए? आप लोग का टीम जो है वेरीफाई करने के लिए जाता है ग्राउंड में? जाएगा। कितना लोग जाता है आप लोग का ग्राउंड में? एक्चुअली अभी बारिश का मौसम तो खत्म नहीं हुआ है, हम लोग अक्टूबर को हम लोग यहाँ से कागज़ को भेज देता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सबमिशन हो रहा है डैमेज का, और बीच बीच में पीले स्टाफ लोग एरिया विजिट कर लेते हैं, एरिया विजिट करके उसका सबमिशन हमको अभी तक नहीं दिया है, लेकिन वो लोग एस्टिमेट बना करके सबमिशन हम लोग को देगा। अभी जैसे कि आपको रिलीफ के लिए काफ़ी सारा एप्लीकेशन आया होगा, तो एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ से कितना सर्कल से अभी तक आया है रिलीफ के लिए? मैं नहीं समझा। अभी तक पब्लिक जो सर्कल सगाली साहब डिवीजन में पब्लिक लोग जो है रिलीफ के लिए एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं ना आपको, तो कितना लोग अभी तक किया है और कहाँ कहाँ से किया है? उसका मेरे पास यहाँ में बीच में है, अभी टोटल रिलीफ एप्लीकेशन सबमिशन आपका 37 हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि और आएगा होगा, क्योंकि उसको पब्लिक को अभी तक मालूम नहीं है कि अभी एप्लीकेशन कहाँ सबमिशन करना है, कैसे करना है, लेकिन वो जितना अभी रिलीफ सबमिशन करने से भी ठीक है, लेकिन फिर भी जुलाई को भी फिर ये मौसम तो अभी लैंडस्लाइड का समय हो गया है, रिलीफ का अप्लाई करने का समय भी हो गया जुलाई तक ना, तो उसको भी हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे अक्टूबर को बारिश का मौसम तो खत्म हो जाता है, तो हम लोग अक्टूबर तक रुकेगा और अक्टूबर का बाद ही हम लोग कागज़ को प्रोसेस करेंगे।